हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गजानन और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा फ्रेंड्स कि आप कैसे अपने मोबाइल से अपने यूट्यूब चैनल के लिए प्रोफेशनल तरीके से बैनर बना सकते हैं। तो गाइस, ये बैनर का मतलब क्या होता है कि जो जब भी कोई बंदा आपके चैनल को लैपटॉप, स्मार्टफोन या डेस्कटॉप साइट पर आपके चैनल को ओपन करेगा, तो आपके चैनल के लोगों के पीछे में एक चौकोन सा आता है और उसमें आप जो कुछ भी अपलोड करते हो उसे कहते हैं बैनर। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ फ्रेंड्स कि आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए अच्छा सा बैनर कैसे बना सकते हैं। तो ये बैनर का भी होना आपके चैनल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स, क्योंकि आपके चैनल को ग्रो करने के लिए, आपके चैनल को बूस्ट करने के लिए ये बैनर भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि फ्रेंड्स, बैनर की वजह से ही आपके चैनल में सब्सक्राइबर बढ़ भी सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, आपको बैनर बनाते समय बहुत ही ध्यान से आपको बैनर बनाना है। तो आज की वीडियो में मैं आपको वेरी सिंपल तरीके से बताऊंगा फ्रेंड्स कि कैसे करना है, कैसे डाउनलोड करना है सारी पीएनजी और कैसे बनाना है बैनर को। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा जिसका नाम है पिक्सल ऐप, जिससे कि यूट्यूब चैनल के लिए थंबनेल बनाया जाता है। और आपको यहाँ पर एक पीएनजी का जरूरत पड़ने वाला है जिसका नाम है बुके इफेक्ट पीएनजी। तो इसे आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अदरवाइज आप हमारे चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां पर भी जाकर उस पीएनजी को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं हमारे मोबाइल के। तो गाइस, इसके लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगा जिसका नाम है पिक्सल ऐप, और जिससे कि बनता है फ्रेंड्स आपके यूट्यूब चैनल के लिए थंबनेल। तो ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पिक्सल ऐप एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपके राइट साइड की तरफ आपको 3 डॉट्स दिखेंगे, तो यहाँ पर आपको 3 डॉट्स पर क्लिक करना है और आपसे आपको इमेज साइज पर चले जाना है। और इमेज साइज पर जाने के बाद यहाँ पर कस्टम पर क्लिक करना है। कस्टम पर क्लिक करने के बाद यूट्यूब थंबनेल का एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4th नंबर का एक ऑप्शन मिलेगा आपको, यूट्यूब चैनल बैनर। तो यहाँ पर आपको यूट्यूब चैनल बैनर पर क्लिक करना है और ऐसे ओके कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो है यूट्यूब चैनल बैनर के साइज में ये आ गया है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने एक टेक्स्ट आएगा, तो ऐसे आप इसको डिलीट कर देना है। उसके बाद गाइस, यहाँ पर आपको लगाना होता है एक बुके इफेक्ट। तो उस इफेक्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर इस इफेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप गूगल से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है HD बुके इफेक्ट। तो इसे लगाने के लिए फ्रेंड्स आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। नीचे से 2nd नंबर पे एक ऑप्शन मिलेगा फ्रॉम गैलरी, तो यहाँ पर आपको फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको जो बुके इफेक्ट आपने डाउनलोड किया है उसे यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा बुके इफेक्ट। तो इसे आपको जूम कर लेना है, बड़ा कर लेना है इस तरह से। तो इसे बड़ा करने के बाद फ्रेंड्स इस तरह से आपको लगा देना है और यहाँ पर आपको लिखना होता है फ्रेंड्स आपका नेम। तो नेम लिखने के लिए आप को नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा ए साइन का, तो ए पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको टेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर पेंसिल के साइन पर क्लिक करना है। पेंसिल पर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ आएगा, तो इसे यहाँ से आपको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद यहाँ से आपको कैपिटल लेटर में आपका नेम लिखना है, क्योंकि कैपिटल लेटर में नेम लिखने के बाद आपका नेम कुछ अच्छा दिखेगा, प्रोफेशनल लगेगा, इसलिए आपको कैपिटल लेटर में नेम लिखना है और ऐसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपको कुछ इस तरह से बड़ा कर लेना है आपके नेम को और यहाँ से आपको बीचों बीच लगा देना है। उसके बाद इसका फंड कुछ चेंज करना होता है फ्रेंड्स। फंड चेंज करने के लिए इसे स्क्रॉल करना है लेफ्ट साइड की तरफ और आपको नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा फंड का, फंड पे चले जाना है और हमने जो हमारे चैनल पर लगाया हुआ है वही आपको यहाँ पर बताने वाले फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपको ऊपर के साइड में स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पर एक इफेक्ट मिलेगा बिलीजरेंट का ऑप्शन मिलेगा फंड। यहाँ पर आपको बिलीजरेंट पर क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा नेम काफ़ी प्रोफेशनल लग रहा है, तो इसे बीचों बीच इस तरह से फिट करना है। इसके बाद फिर से आपको टेक्स्ट पर क्लिक करना है फ्रेंड्स और पेंसिल के आइकन पर क्लिक करके यहाँ से आपको लिखना होता है आपका जो कैटेगरी का चैनल है, जिस कैटेगरी का चैनल है उससे थोड़ा रिलेटेड। जैसे कि आपका टेक कैटेगरी का चैनल है तो आप यहाँ पर टिप्स एंड ट्रिक्स लिख सकते हैं। अदरवाइज़ आपका अनबॉक्सिंग रिव्यू का चैनल है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स। लिखने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपको ओके कर देना है और इसके फंड को इसी साइज में रखना है और आपको इसके नीचे में
लगा देना है इस साइज से। हमने जिस साइज से लगाया है उसी साइज से आपको भी यहाँ पर लगाना है फ्रेंड्स। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा बुके इफेक्ट यहाँ पर अच्छे से लग चुका है और हमारा यूट्यूब चैनल का बैनर यहाँ पर बन चुका है। इसके बाद फ्रेंड्स इसे डाउनलोड करने के लिए, सेव करने के लिए यहाँ पर आपके राइट साइड में 3 डॉट्स दिखेंगे, यहाँ पर आपको 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। उसके बाद 4th नंबर का ऑप्शन मिलेगा एक्सपोर्ट इमेज, तो यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट इमेज पर क्लिक करना है। और यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगे सेव टू गैलरी और शेयर का, तो यहाँ पर आपको सेव टू गैलरी पर क्लिक करना है और यहाँ से हमारा बुके इफेक्ट वाला यूट्यूब चैनल बैनर सेव हो जाएगा। तो इसे देखने के लिए यहाँ से चले जाना है बैक, बैक जाने के बाद गैलरी पर चले जाना है। और फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा बुके इफेक्ट यहाँ पर इस तरह से बन चुका है। तो आप भी फ्रेंड्स इस तरह से आपके यूट्यूब चैनल के लिए आप बैनर बना सकते हैं प्रोफेशनल तरीके से और आपके YouTube चैनल में लगा सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। और आपको इस वीडियो से ज़रा सा भी नॉलेज मिला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।